हेलो एवरीवन, मायसेल्फ कृष्णपाल सिंह, अध्ययनशाला में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मध्य प्रदेश का एक नया टॉपिक लेकर मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ। मध्य प्रदेश का जो आखिरी टॉपिक था उसमें हमने सतपुड़ा के बारे में अध्ययन किया था। आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। ये भी मध्य प्रदेश का एक भौतिक प्रदेश है, एक भौतिक विभाजन है। जब मैंने आपको पहला लेक्चर डाला था मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन और उससे संबंधित, तो उसमें मैंने बताया था कि जो जो क्षेत्र हैं उसमें जो मध्य भारत मध्य की उच्च भूमि बताई थी, उस मध्य की उच्च भूमि के पांच विभाजन किए थे। उनमें जो पांचवा भाग मैंने बताया था आपको वो नर्मदा सोन नदी घाटी थी। आज हमारा अध्ययन का बिंदु होगा नर्मदा सोन नदी घाटी और वहाँ पर होने वाले सभी जलप्रपात जो नदियाँ बनाती हैं। एक एक करके देखेंगे नर्मदा नदी और सोन नदी किन क्षेत्रों में गुजरती है, वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है और वहाँ पे क्या क्या पर्यटन स्थल हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। पहला है नर्मदा नदी। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी की बात है कि नर्मदा और सोन नदी दोनों का उद्गम स्थल जो है वो अनूपपुर जिले का अमरकंठक है। दोनों नदियाँ सेम जगह से निकलती हैं। एक नदी और निकलती है जोगीला नदी, याद रखने के लिए याद रखिएगा कि यहाँ से एक और नदी निकलती है जोगीला, बाकी अमरकंठक से ही नर्मदा और सोन दोनों नदियाँ निकली हैं। नर्मदा नदी अमरकंटक से थोड़ा सा उत्तर और उसके बाद पूर्णतः पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है और खंबाच की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इस दौरान ये नदी अमरकंटक के बाद इधर मंडला जिले में, उसके बाद जबलपुर और आगे बढ़ते हुए ये जो रायसेन सीहोर वाला जो क्षेत्र है इसमें पार करते हुए, देवास खंडवा की बॉर्डर वाला पार करते हुए महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। महाराष्ट्र से गुजरात और गुजरात से जाके ये खंबाच की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये नदी जो है वो पूर्णतः विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बह रही है, ब्रज घाटी में बह रही है, इसलिए पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। मैं इस बारे में जिक्र कर चुका हूँ सतपुड़ा विंध्याचल के बारे में। ये नदी बहती है, ये पूरा क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है जो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में है। बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, बहुत अच्छी मात्रा में गेहूँ का उत्पादन और सोयाबीन का उत्पादन क्षेत्र में होता है। और इधर पश्चिमी क्षेत्र में अगर आ जाए तो क्षेत्र में गन्ने का और कपास का उत्पादन भी नर्मदा नदी घाटी में होता है। नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से उद्गमित होने के बाद जब चलती है तो इसमें सबसे पहले, बिल्कुल सबसे पास में कपिलधारा जलप्रपात आता है, जो अमरकंटक के बिल्कुल पास में ही है। कपिलधारा जलप्रपात बिल्कुल पास में कपिलधारा वाटरफॉल आता है। ये कपिलधारा कपिल ऋषि की वजह से कपिलधारा कहा गया है, ऐसा बताते हैं। कपिल ऋषि जो कपिल मुनि हुआ करते थे, उनने तपस्याएं की, इसलिए इसको कपिलधारा कहते हैं। यहाँ से नदी थोड़ा सा आगे और बढ़ती है कि बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन छोटा सा एक जलप्रपात और बनता है दुग्धधारा, इसको दुग्धधारा जलप्रपात कहा जाता है। ये भी नर्मदा नदी पर बना है, अमरकंटक क्षेत्र के पास में ही है, इसलिए इसके बारे में लिख दिया जाता है कि ये भी अमरकंटक के पास में है। यहाँ दुग्धधारा बोलने का कारण है, यहाँ पानी बिल्कुल सफ़ेद नज़र आता है, झाग और पानी गिरने की वजह से जो फॉर्म बनते हैं वो वाइट कलर के दिखते हैं दूध जैसा, इसलिए इसको दुग्धधारा नाम दिया गया है। तो बिल्कुल दुग्धधारा इससे ज़्यादा दूर नहीं है, इसके लगभग पास में ही है, दोनों पास पास है। यहाँ से ये नदी आगे बढ़ती है और पहाड़ छोड़कर मैदानों में प्रवेश करना शुरू करती है। हालांकि है तो पठारी क्षेत्र पूरा, तो विस्तृत पठारों में प्रवेश करती है और नदी विस्तृत होना शुरू हो जाती है, इसमें कई सारी नदियां जुड़ना शुरू कर देती है। आगे बढ़ते बढ़ते नदी बरघी नदी इसमें समाहित होती है जबलपुर जिले में, यहाँ आके जबलपुर में, उसके बाद एक विशाल जलप्रपात बनाती है जो इस नदी पर बनने वाले सभी वाटरफॉल में सबसे विशाल जलप्रपात है, उसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। ये धुआंधार जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी पर जो बन रहा है जबलपुर के आसपास, ये यहाँ पर संगमरमर की चट्टाने, मार्बल रॉक्स संगमरमर की चट्टाने, उस पर ये जलप्रपात जब पानी गिरता है ना तो बहुत सारा धुआं जैसा स्ट्रक्चर, धुआं बनता है, पानी की हल्की हल्की बूंदें उड़ती है हवा से तो वो धुएं जैसा दिखता है, इसलिए जलप्रपात का नाम धुआंधार है, इसका नाम धुआंधार रख दिया गया है। बड़ा ही रमणीय, बड़ा ही सुंदर स्थल है यहाँ जबलपुर में। सबसे अच्छा दर्शनीय स्थल अगर पर्यटन के दृष्टि से कोई माना गया है तो वह नर्मदा नदी पर निर्मित धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी। इसके बाद नर्मदा नदी आगे प्रवाहित होती चली जाती है पश्चिम की तरफ। इसमें खरगोन जिले का महेश्वर जो है, उस महेश्वर के पास एक और जलप्रपात निर्मित होता है, हालांकि बहुत ऊंचा नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन कई सारी शाखाओं में विभाजित है, इसलिए उसको सहस्त्रधारा नाम से जाना जाता है, सहस्त्रधारा जलप्रपात। ये भी नर्मदा नदी पर महेश्वर में बना हुआ है। तो ये महेश्वर में है, ये जबलपुर में है और
वो दोनों वाटरफॉल तो अमरकंटक के बिल्कुल पास में ही है। तो पहले नंबर पे था कपिलधारा, दूसरे नंबर पे दुग्धधारा, तीसरे नंबर पे धुआंधार और चौथे नंबर पे सहस्त्रधारा। ये चार वाटरफॉल आप नर्मदा पर याद रखिए। इसके बाद जो है वो नर्मदा नदी और इसके पश्चिम में कुछ परियोजनाएं, वैसे तो नर्मदा नदी पर बहुत ज़्यादा है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जल विद्युत परियोजनाएं मैं आप लोगों को बता देता हूँ वो कौन कौन सी है। सबसे इंपॉर्टेंट खंडवा जिले में यहाँ पर एक जल विद्युत परियोजना बहुत बड़ी और बहुत बड़ी, इंदिरा सागर। एक्चुअली इंदिरा सागर परियोजना जो है ये पायलट प्रोजेक्ट है और इस परियोजना है खंडवा जिले में है, हरसूद के पास में ये पायलट प्रोजेक्ट है और इस परियोजना में जो जलाशय बना है वो आज की डेट में भारत का सबसे बड़ा जलाशय है। वो जलाशय आज की डेट में जो भाखड़ा नांगल का था उससे भी आगे निकल चुका है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा इसमें और आगे चलोगे इधर तो मांदता परियोजना, मांदता ओंकारेश्वर में है और एक बड़ी परियोजना जिसको अपन लोग सरदार सागर परियोजना बोलते हैं, सरदार सागर परियोजना गुजरात में है, वो परियोजना भी नर्मदा पर है और ये जो जलाशय है ये इन दोनों परियोजनाओं को जल उपलब्ध करवाता है और आगे की जितनी परियोजना उनको भी जल उपलब्ध करवाता है। अब आती है सोन नदी, सोन नदी की बात करते हैं। सोन नदी यहाँ अमरकंटक से निकलने के बाद अनूपपुर, शहडोल, उमरिया और क्षेत्र होते हुए रीवा होकर ये निकल जाती है आगे की तरफ उत्तर प्रदेश में और वहाँ से बिहार और फिर नर्मदा नदी में मिलती है। इस बीच ये नदी इस पूरे क्षेत्र को सिंचित करती है, चावल और गेहूं का अच्छा उत्पादन इस क्षेत्र में होता है, उस दृष्टि से क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे अगर सोन नदी पर देखो तो एक बड़ी विद्युत परियोजना बाण सागर परियोजना जरूर याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना सोन नदी की, पूर्वी क्षेत्र की या बघेलखंड बोल दूं मैं, बघेलखंड की बहुत बड़ी विद्युत परियोजना है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा इस नदी पर मूलतः सीधे जलप्रपात नहीं है लेकिन इसकी सहायक नदियां और इस नदी घाटी के क्षेत्र में जो छोटी बड़ी नदियां पठारों पर बहती है रीवा पन्ना के आसपास, वहां पर बड़े बड़े जलप्रपात जरूर बनते हैं। जैसे एक है केवटी जलप्रपात, केवटी वाटरफॉल टोंस नदी पर रीवा में बनता है, ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है अभी तक की दृष्टि से। क्वेश्चन बनता है एमपीपीएससी में कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो अभी केवटी मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये टोंस नदी रीवा क्षेत्र में बहती है, रीवा के पठार पर बहती है, आगे जाकर ये नदी जो है फिर बड़ी नदियों में मिलती है और सोन नदी का हिस्सा बन जाती है, सोन नदी घाटी में शामिल हो जाती है। एक वाटरफॉल और है बहुटी, बहुटी वाटरफॉल ओड्डा एक वहाँ की लोकल नदी है, छोटी नदी है, पठार पर बहती है, ये भी रीवा के पठार पर, वहाँ पर इसका वाटरफॉल बनता है, फिर आगे चलकर ये भी सोन नदी घाटी का हिस्सा बन जाती है। ये सोन नदी घाटी है, सोन नदी नहीं है, सोन नदी घाटी है। एक जलप्रपात और है चचाई, ये बिहड़ नदी पर बनता है रीवा में, ये भी रीवा के पठार पर बनता है। इसकी एक खासियत बताता हूँ, ये केवटी के बाद मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसको याद रखिएगा। चचई चचई वाटरफॉल, बिहड़ नदी, रीवा, ये भी आगे चलकर सोन नदी का हिस्सा बन जाती है। एक बात ध्यान रखना, ये केवटी जो जलप्रपात है इसको भारत का नियाग्रा बोलते हैं, भारत का नियाग्रा जलप्रपात। ये नियाग्रा अमेरिका में है, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा पानी लेकर आने वाला जलप्रपात नियाग्रा वाटरफॉल, उस वजह से केवटी को क्या बोल रहे हैं, नियाग्रा वाटरफॉल बोला जाता है। थोड़ा सा याद रखिएगा, ये कई बार ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, इस टाइप की चीजें पूछी जाती है, तो ये स्मरणीय तथ्य है लेकिन याद रखिएगा। तो ये पूरा नर्मदा और सोन नदी घाटी क्षेत्र है जो दोनों नदियां अपना बनाती है। इसके बाद जो क्षेत्र मध्य प्रदेश का बच जाता है इसके परे, इधर तो मध्य प्रदेश समाप्त हो जाता है लेकिन यहां जरूर बघेलखंड है, बाकी फिर उधर भी छत्तीसगढ़ का क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। तो ये पूरा नर्मदा और सोन घाटी पूरी कंप्लीट होती है आप लोगों के लिए। आई होप कि आपको ये बहुत मदद करेगी, आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। अगले वीडियो के लिए आप बने रहें, धन्यवाद।